हेलो स्टूडेंट्स खत्री ट्यूशंस क्लासेस की इस ऑनलाइन सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज जो हमारा टॉपिक है वो टेंथ क्लास का कोऑर्डिनेट जोमेट्री मैथ मैथमेटिक्स सेवन चैप्टर है पिछली वीडियो में हमने इसकी सेवन पॉइंट वन के चार क्वेश्चंस किए थे आज उससे आगे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव तो क्वेश्चन नंबर फाइव में देखेंगे हमें इस प्रकार से ग्राफ बना कर दिया हुआ हमें और लिखा है इन्हें क्लासरूम फोर फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट ए बी सी एंड डी ये उनकी लोकेशन है जो चार फ्रेंड बैठी हैं और इस पिक्चर में दिखाया गया है चंपा और चमेली दो लड़कियां एक साथ क्लास में एंटर करती हैं और वो कुछ देर ऑब्जर्व करने के बाद चंपा कहती है क्या तुम ये समझती है कि जो ए बी सी डी है वो एक स्क्वायर बनाती है जबकि चमेली उसको डिसएग्री करती है तो आपको ये बताना है कि कौन सही है मतलब अगर ये ए बी सी डी एक स्क्वायर बनाती है तो चंपा से ही है अदरवाइज समेली तो हम इसके कोऑर्डिनेट से हम इसको फाइंड करेंगे कि ये स्क्वायर है या नहीं है तो पहले इसके कोऑर्डिनेट देखें। ए के कोऑर्डिनेट है हमारे ए जो पॉइंट है यहां पर है ये एक्स तो जो है इसका 3 है और वाई क्या है 4 है तो ए के कोऑर्डिनेट हो गए हमारे 3 और 4 बी बी जो पॉइंट है वो यहां पर है बी एक्स जो है उस पे एबसिसा जो है सिक्स है और ऑर्डिनेट सेवन तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए हमारे सिक्स और सेवन <coughs> इसी प्रकार से सी के चेक करेंगे सी जो एबसिसा है वो नाइन है और ऑर्डिनेट फोर है तो ये हो जाएगा हमारा नाइन और फोर डी जो है डी के कोऑर्डिनेट एबसिसा हमारा सिक्स है और ऑर्डिनेट वन है तो सिक्स और वन अब ये स्क्वायर कब बनेगा जब हम इसकी चारों साइड्स क्या कर देंगे <coughs> इक्वल कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा एक रोम्बस बनेगा चारों साइड्स को ए बी बी सी सी डी और ए डी तो ये अगर हम चारों साइड्स इक्वल करते हैं तो ये एक रोमबस बनेगा एक रोमबस स्क्वायर कब होता है जब उसके डायगनल भी इक्वल हो तो हमारी पाँचवीं जो लेंथ होगी वो ए सी होगी ए सी और बी डी ये दोनों साइड्स भी जब आपस में इक्वल होंगी तो हमारा क्या बन जाएगा ये स्क्वेयर बनेगा तो हम इसमें देखो पहले इसकी साइड्स ए बी निकालते हैं तो डिस्टेंस फार्मूला हम निकाल लगाएंगे इसमें ए बी एक्स टू माइनस एक्स वन का होल और प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल तो ये हम इसमें एक्स टू है इसमें ए बी सिक्स और थ्री सिक्स माइनस थ्री इस प्रकार से ले लेंगे एक्स टू एक्स वन वाई टू सेवन माइनस फोर का होल स्क्वायर अब ये हो जाएगा हमारा थ्री स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर और सारे का होल स्क्वायर नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं इसको तो ए जो था हमारा वो क्या आ जाएगा थ्री का स्क्वायर नाइन प्लस नाइन तो रूट एटीन जो होगा वो हमारा ए की लेंथ होगी इसको यूनिट में लिख देते हैं ऐसे ही फिर दूसरा बी निकालते हैं तो बी के लिए हम बी के कोऑर्डिनेट चेक करेंगे बी जो था हमारा वो कितना था बी सिक्स सेवन और ये नाइन फोर तो नाइन माइनस सिक्स और फोर माइनस सेवन हो जाएगा नाइन माइनस सिक्स प्लस इसका होल स्क्वायर प्लस फोर माइनस सेवन का होल स्क्वायर तो यहां पर ये हमारा थ्री आएगा थ्री स्क्वायर प्लस माइनस थ्री स्क्वेयर नाइन प्लस नाइन ये भी हमारा क्या आ जाएगा रूट एटीन तो इसका मतलब हमारी दो साइड तो इक्वल है ए बी और बी सी अब हम सी डी निकालते हैं तो सी डी के लिए हमें फिर से कोऑर्डिनेट चेक करने पड़ेंगे इसमें तो सी के कोऑर्डिनेट जो हमारे थे वो क्या है नाइन और फोर है और डी के हैं सिक्स और वन तो एक हो जाएगा सिक्स माइनस नाइन और वन माइनस फोर सिक्स माइनस नाइन का होल स्क्वायर प्लस वन माइनस फोर का होल स्क्वायर यहां पर माइनस थ्री का स्क्वायर और यहाँ पर माइनस थ्री ये भी माइनस थ्री बचेगा दोनों का स्क्वायर रूट कर देंगे तो ये भी जो हमारा क्या आ गया सी डी रूट में नाइन प्लस नाइन मीन रूट एटीन हो जाएगा तो सी डी भी इक्वल है ऐसे ही ए डी निकालेंगे अब ए डी के कोऑर्डिनेट हम चेक करते हैं ए और डी ए के कितने थे थ्री और फोर और डी के हैं सिक्स और वन तो सिक्स माइनस थ्री वन माइनस फोर आ जाएगा इसमें ये होगा हमारा सिक्स माइनस थ्री और वन माइनस फोर का होल स्क्वायर थ्री स्क्वायर प्लस माइनस थ्री स्क्वेयर देन नाइन प्लस नाइन रूट में एटीन रूट एटीन जो होगा तो हमारी चारों साइड इक्वल हैं ए बी सी सी डी और डी तो चारों साइड्स इक्वल होने से हम स्क्वायर प्रूव नहीं कर पाएंगे साथ में अगर डायगनल भी इक्वल होंगे तो स्क्वायर होगा चारों साइड से क्या हो जाएगा वो हमारा एक रोम्बस हो जाएगा तो डायगनल में हम ए सी को चेक करते हैं ए और सी तो इस प्रकार से नाइन माइनस थ्री फोर माइनस फोर तो ए सी जब निकालेंगे हम इसमें नाइन माइनस थ्री का स्क्वायर और फोर माइनस फोर का स्क्वायर तो ये हो जाएगा हमारा सिक्स स्क्वायर प्लस जीरो स्क्वायर तो सिक्स का स्क्वायर आ गया हमारा थर्टी सिक्स रूट में हो जाएगा ये सिक्स यूनिट हो जाएगा अब बी डी भी निकालते हैं हम इसमें बी डी को देखो सिक्स माइनस थ्री बी डी सॉरी सिक्स माइनस सिक्स और वन माइनस सेवन बी डी को करेंगे हम इसमें बी डी के लिए यहां पर थोड़ा सा स्पेस निकाल लेते हैं हम बी डी तो सिक्स माइनस सिक्स हो जाएगा और वन माइनस सेवन ये होल स्क्वायर होगा तो ये जीरो का स्क्वायर और माइनस सिक्स का स्क्वायर यहाँ पर भी हमारा क्या आ जाएगा जीरो प्लस थर्टी सिक्स मीन थर्टी सिक्स का स्क्वायर रूट जो होगा सिक्स यूनिट होगा तो इससे हमें पता चलता है जैसे ए बी बी सी सी डी और ए डी ये चारों साइड्स इक्वल हैं साथ में ए सी इक्वल बी डी ठीक है डायगनल भी इक्वल है तो ये क्या हो गया है कि स्क्वायर तो चंपा इज राइट इस प्रकार से आंसर में लिख देंगे कि चारों साइड इक्वल है और डायग्नल इक्वल है तो ये एक ए बी सी डी क्या बनाएगा एक स्क्वेयर बनाएगा तो जो आंसर में था इसमें चंपा इज राइट नेक्स्ट में इसमें छठा क्वेश्चन है इसमें भी इस प्रकार से चार पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं हमें क्वारिलेटल बनाना है कि वो इस, इस चारों पॉइंट से क्वारिलेटल का नाम क्या होगा तो इस प्रकार से पहले एक को हम ए मान लेते हैं इसको इसको बी ले लेते हैं इसको सी ले लेते हैं इसको डी चारों लेंथ निकालते हैं पहले इसमें ए बी की जो लेंथ है x2 टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस y2 टू माइनस वाई हर क्वेश्चन में एक बार फार्मूला जरूर लिखो ताकि अच्छी तरह से आपको ये याद हो जाए x2 <coughs> a b में है वन प्लस वन हो जाएगा माइनस वन के आगे जब माइनस लगेगा तो ये प्लस का हो जाएगा और जीरो प्लस टू स्क्वायर यहां पर भी ये टू का स्क्वायर और यहां पर भी टू का स्क्वायर तो फोर प्लस फोर रूट एट हो जाएगा ये ये हमारी साइड आ गई ए बी दूसरा हम निकालते हैं इसी से बी सी बी सी तो वन माइनस माइनस वन माइनस वन होल स्क्वायर और प्लस टू माइनस जीरो का स्क्वायर तो ये भी देखो इसमें भी क्या रहा माइनस टू का स्क्वायर और प्लस टू का स्क्वायर तो ये फोर प्लस फोर रूट एट हो जाएगा हमारा तो ये दोनों साइड ए बी और बीसी इक्वल है अब तीसरी साइड हम निकाल लेते हैं सी डी सी डी में हम माइनस थ्री प्लस वन हो जाएगा माइनस थ्री प्लस वन का स्क्वायर प्लस जीरो माइनस टू का स्क्वायर तो ये माइनस टू स्क्वायर और प्लस माइनस टू का स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट करेंगे तो फोर प्लस फोर ये भी कितना आ गया रूट एट आ जाएगा ये भी हमारा रूट एट आ जाएगा अब तीन साइड तो इक्वल होगी हम चौथी साइड्स को भी चेक करते हैं इसी पेज पर हम सी डी डी ए को निकालते हैं तो डी ए तो डी के कोऑर्डिनेट है माइनस थ्री में से वन माइनस थ्री माइनस माइनस वन आएगा ये तो इस प्रकार से ये प्लस का हो जाएगा और ये जीरो प्लस टू हो जाएगा जीरो प्लस टू माइनस का टू है लेकिन उसके आगे माइनस लगेगा तो वो प्लस हो जाएगा ये माइनस थ्री प्लस वन का होल स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा टू का स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर और प्लस टू का स्क्वायर फोर प्लस फोर अब देखो ये चारों की चारों साइड इसमें भी क्या होगी ए बी इक्वल है बी सी के बीसी किसके इक्वल है सी डी के B, C, D, और सी डी डी ए चारों साइड्स इक्वल होने पर स्क्वायर नहीं होता वो क्या होगा चारों साइड जिस क्वारल की इक्वल होंगी वो एक रोमबस होगा अब इसको चेक करते हैं क्या ये एक स्क्वायर है या नहीं है तो हम इसके दोनों डायगेल एक बार ए और एक बार बी इसको भी निकालेंगे तो ए को करने के लिए हम सी के कॉर्डिनेट माइनस और इसके आगे माइनस लगेगा तो ये क्या हो जाएगा ए को निकालते हैं क्वार एक एकट थे माइनस वन माइनस टू A के कोऑर्डिनेट है माइनस वन और माइनस टू और सी के कोऑर्डिनेट है माइनस वन और एक बार चेक कर लेते हैं सी के कोऑर्डिनेट माइनस वन और टू है तो हम ए सी जब निकालेंगे तो इस प्रकार से माइनस वन प्लस वन हो जाएगा ये जब इसके आगे माइनस का साइन लगेगा तो ये प्लस वन हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा टू प्लस टू का स्क्वायर तो यहां तो ये जीरो का स्क्वायर और ये फोर का स्क्वायर तो जीरो स्क्वायर तो जीरो ही होगा और फोर का स्क्वायर सिक्सटीन तो ये रूट सिक्सटीन आएगा अब क्योंकि ये कंप्लीट स्क्वायर नंबर है तो हम इसको फोर यूनिट से शो कर लेते हैं अब दूसरा जो है हमारा बी डी डाइगनल है बी डी तो बी के कोऑर्डिनेट वन और जीरो है और ये माइनस थ्री और जीरो बी के कॉर्डिनेट है हमारा वन और जीरो और डी के कॉर्डिनेट है माइनस थ्री और जीरो एक बार फिर से चेक कर लेते हैं डी के माइनस थ्री और जीरो तो so, यहाँ पर बी डी माइनस थ्री प्लस माइनस वन सॉरी इसमें ये माइनस ही आएगा और यहाँ पर जीरो माइनस जीरो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जीरो ही हो जाएगा ये माइनस फोर का स्क्वायर और यहाँ पर ये जीरो का स्क्वायर ये सिक्सटीन प्लस जीरो तो ये भी देखो इसमें दोनों डायगनल क्या हैं बराबर है ये भी क्या आ गया फोर यूनिट आ गया तो हमारा इसमें देखो ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी इक्वल ए डी चारों साइड्स इक्वल हैं और ए सी इक्वल बी डी सो गिवन टल या गिवन पॉइंट्स जो है वार्टिक्स जो है, किसके एक स्क्वायर के हैं तो जो चारों पॉइंट से मिलकर क्वारिलेटल बनेगा उसका नाम क्या है स्क्वायर है नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं इसमें इसमें कोऑर्डिनेट दे रखे हैं इसको भी हम उसी प्रकार से ए बी सी और डी का नाम दे लेते हैं पहले हम ए बी निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूले से थ्री और इसके आगे जब हम माइनस लगाएंगे तो ये प्लस थ्री हो जाएगा एक बार आई फॉर्मूला आप जरूर लिख लें इसका वन माइनस फाइव का स्क्वायर यहाँ ये सिक्स का स्क्वायर और माइनस फोर का स्क्वायर हो जाएगा थर्टी सिक्स प्लस सिक्सटीन जब हम इसको प्लस करेंगे तो हमारा क्या आएगा फिफ्टी टू तो यूनिट क्योंकि ये एक कम्प्लीट नंबर नहीं है तो हम इसको इसी प्रकार से छोड़ लेते हैं रूट में फिफ्टी टू आ गया दूसरा हम निकालेंगे बी सी बी सी तो ये आ जाएगा जीरो माइनस थ्री स्क्वायर और प्लस थ्री माइनस वन स्क्र ये तो माइनस थ्री का स्क्वायर और यहाँ पर ये आ जाएगा टू का स्क्वायर तो ये नाइन प्लस फोर ये कितना हो गया हमारा रूट थर्टीन हो गया रूट थर्टीन यूनिट अब ये दोनों साइड इक्वल नहीं है इसका मतलब ये ना तो क्या है रोमबस है ना स्क्वायर है अब और आगे चेक करते हैं हो हो सकता है अपोजिट इक्वल तो पैरलोग्राम और रेक्टेंगल की पॉसिबिलिटी है तो हम इसकी तीसरी साइड क्या है सी डी को चेक करते हैं माइनस वन माइनस जीरो होल स्क्वेयर प्लस माइनस फोर माइनस थ्री होल स्क्वेयर ये माइनस वन का स्क्वायर और यहां पर ये हो जाएगा माइनस सेवन का स्क्वायर वन प्लस फोर्टी नाइन तो ये क्या आएगा फिफ्टी अब ये देखो तीनों साइड अन एक चौथी साइड भी निकाल लेते हैं हम इसका एडी एडी माइनस वन और प्लस थ्री हो जाएगा इसमें माइनस फोर और माइनस फाइव टू स्क्वायर माइनस नाइन का स्क्वायर तो ये तो फोर होगा और ये एटी वन तो ये एटी फाइव हो जाएगा ठीक है रूट में तो हमारी चारों की चारों साइड्स इसमें देखो इस प्रकार से ये अगर मैं एक रफ सी फिगर बना भी दूं इसमें ए बी सी डी तो इसकी क्या क्या लेंथ होगी ए बी हो जाएगा हमारा रूट फिफ्टी टू और बी सी है रूट थर्टीन सी डी जो हमने निकाला है रूट फिफ्टी है और ए डी जो है रूट एटी फाइव है तो चारों की चारों साइड्स क्या है इसकी अनइक्वल है ठीक है तो ये इस प्रकार से कोई भी क्वाड्रिलेटरल ना तो ये स्क्वायर है ना रोमबस है ना रेक्टेंगल है और ना ही पैरेललोग्राम है इस प्रकार से लेंथ फाइंड करके हम इसको एक पर्टिकुलर क्वाड्रिलेटरल बता देंगे इसका इसमें कोई ऐसा नाम नहीं आएगा जिसमें इसको स्पेशली नाम दिया जा सके इसका लास्ट पार्ट देखो इसमें लास्ट पार्ट फिर से इसी प्रकार से इसका भी नाम हम ए बी सी डी रख लेते हैं तो पहले हम लेंथ निकालते हैं ए बी ए बी को जब निकालेंगे सेवन माइनस फोर का स्क्वायर प्लस सिक्स माइनस फाइव का स्क्वायर तो ये हो जाएगा हमारा थ्री स्क्वायर और ये वन स्क्वायर तो नाइन प्लस वन रूट टेन आ जाएगा ये हमारा जो पहले का आएगा रूट टेन अब यूनिट दूसरा हम निकाल लेते हैं इसी पेज पर बी सी बी सी की भी लेंथ निकालेंगे फोर माइनस सेवन और थ्री माइनस सिक्स ऑल स्क्वायेयर ये माइनस थ्री का स्क्वायर और यहाँ पर भी माइनस थ्री का स्क्वायर तो नाइन प्लस नाइन ये रूट एटीन आ जाएगा हमारा जो दूसरी साइड है रूट एटीन तो स्क्वायर रोमबस तो है नहीं है अब इसका पैरलोग्राम और रेक्टेंगल से चेक करते हैं तो तीसरी साइड हम निकालते हैं सी डी सी डी वन माइनस फोर का स्क्वायर और प्लस टू माइनस थ्री का स्क्वायर होल स्क्वायर तो यहाँ ये माइनस थ्री स्क्र और यहाँ पर माइनस वन स्क्वायर ये नाइन प्लस वन तो देखो दो साइड तो इक्वल मिल गई है हमें पहली साइड भी क्या थी रूट टेन थी और सी डी ए बी भी रूट टेन है और सी डी भी रूट टेन है एक लास्ट साइड और इसमें एडी पहले निकाल लेते हैं ए <coughs> डी में वन माइनस फोर का स्क्वेयर प्लस टू माइनस फाइव का स्क्वेयर तो यहां माइनस थ्री स्क्वेयर और यहां पर भी माइनस थ्री का स्क्वायर रूट में कर लेंगे कि 9 प्लस नाइन तो ये दोनों साइड जो हमारी क्या है आमने सामने की साइड जैसे अगर हम एक ऐसे क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं तो ए बी सी डी तो ए बी जो हमारी लेंथ थी वो कितनी है रूट टेन है और ए डी जो है वो भी रूट बी सी डी जो है वो भी रूट टेन है ये रूट एटीन है और यहाँ पर भी रूट 18 है तो ये क्या बन गया एक प्रकार से ये पैरलोग्राम बन गया जब हमारी किसी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड इक्वल होती है तो वो एक पैरलोग्राम होता है साथ में अगर हम इसके डायगनल भी चेक करें अगर डायगनल इक्वल होंगे तो ये रेक्टेंगल होगा अदरवाइज ये सिर्फ पैरलोग्राम तो इसके हम दोनों डायगनल का और लेंथ फाइंड कर लेते हैं ए क्या है फोर फाइव सी का है फोर थ्री तो पहले हम ए सी निकालते हैं ए का था फोर और फाइव और सी के कोऑर्डिनेट थे फोर और थ्री तो इससे हम पहले ए सी की लेंथ फाइंड करते हैं डायगनल की तो फोर माइनस फोर और थ्री माइनस फाइव यहाँ तो ये यह जीरो हो जाएगा और यहाँ ये यह माइनस टू का स्क्वायर <coughs> तो ये फोर स्क्वायर रूट टू टू यूनिट आ जाएगा ऐसे ही हम फिर बी और डी के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे पहले कोऑर्डिनेट निकालेंगे उसके बाद उसकी लेंथ फाइंड करेंगे तो बी और डी बी था सेवन सिक्स और ये वन टू है यहाँ पर तो सेवन और सिक्स और ये वन और टू कोऑर्डिनेट है तो हम इसमें बी डी निकाल लेंगे बी डी की लेंथ वन माइनस सेवन का स्क्वायर और प्लस टू माइनस सिक्स का स्क्वायर। तो यहाँ माइनस सिक्स का स्क्वायर और ये माइनस फोर का स्क्वायर तो ये हो जाएगा हमारा थर्टी सिक्स प्लस सिक्सटीन तो डायगनल क्या है फिफ्टी टू नॉट इक्वल है तो जो हमारा क्वारिलेटल बना है इस प्रकार से एक ए बी सी डी ठीक है तो इसमें देखो पहले क्या था ये रूट टेन रूट टेन ये तो रूट टेन है ये भी रूट टेन है ये रूट एटीन है ये भी रूट एटीन है, है और जो ए सी जो हमने निकाला वो रूट फोर या टू यूनिट कर सकते हैं और बी डी जो था हमारा रूट फिफ्टी टू आ जाएगा तो ये पैरलोग्राम तो बना रहा है बट रेक्टेंगल नहीं बना रहा है तो इस प्रकार से ये दो क्वेश्चन किए हमने इसमें और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम अगली वीडियो में बनाएंगे ये वीडियो लंबी हो जाएगी पहले इन्हीं दो क्वेश्चन को एक बार खुद से प्रैक्टिस करके देखें अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवन एट नाइन टेन वो हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे थैंक यू